हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ बंगाल सफारी करने, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो इस वीडियो को लाइक कर दो। और आज मैं जंगल सफारी में जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी और जितने भी एनिमल्स को देखूँगी वो सारे इस वीडियो में दिखा दूँगी। और मुझे ना ऐसे जंगल वगैरह मतलब काफ़ी पसंद है, वाइल्ड लाइफ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए यहाँ पर आई थी और मौका मिल गया था सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं। और यहाँ की जो टिकट्स है वो आपको पर पर्सन 200 है, और वो आपको एक वैन में बैठा के वैन बस जो भी उनके पास अवेलेबल हो और फिर पूरा टूर करवाते हैं। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं, लाइक जिप लाइन वगैरह थी जो कि हम लोगों ने नहीं की क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बस ये देखने आए थे। और ना पूरा जंगल घूमने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोगों का टाइम वैसे भी ज़्यादा लग गया था और आए भी हम लोग लेट से थे। और कभी भी आप जाओ तो आप इस बात का ख्याल रखना कि आप टाइमली जाओ, क्योंकि 6 बजे के बाद ना ये बंद होने लगता है, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कभी भी आप जा रहे हो तो शायद 10-11 बजे ओपन होती है और उसके बाद ये 5-6 बजे बंद हो जाती है, तो आप टाइम से जाना ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ। अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर इस पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी छूट गई थी वो करेंगे कम्प्लीट। तो अभी हम लोग वैन में बैठ चुके हैं और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, और अभी निकल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ। और मुझे सीरियसली काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जंगल सफारी कर रही हूँ, इससे पहले कभी नहीं किया था मैंने, और मौसम इतना प्यारा हो रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और आगे की जो भी एक्सपीरियंसेस है आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस जंगल सफारी का पूरा एक्सपीरियंस हो पाए। और सब चीज़ें मैंने कवर की है, जितने भी चीज़ें देखी मैंने सब कैप्चर की है।
भाई साहब जीवन धन्य हो गया, फाइनली बंगाल टाइगर देख लिया मैंने यार, क्या मस्त था वो। और जब उसका वॉक देखा तो मज़ा ही आ गया। और पूरी जंगल सफारी हमारी हो चुकी है, बहुत ही मज़ा आया। ये दोबारा आपके टिकट चेक करने आते हैं बस में, और बस हो गया इतना ही था। अब हम लोग जा रहे हैं जो भी पार्क में है, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि अब पार्क बंद होने का टाइम भी हो चुका है। और वेदर देख रहे हो यार, इस वेदर में तो इतना मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। और अभी सनसेट भी होने वाली थी, तो ऐसी चमकीली धूप थी ना कि मत ही पूछो। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया बर्गर, और काफ़ी टेस्टी बर्गर था यहाँ का। आप भी जाना तो कभी यहाँ का ट्राई करना, ये एकदम एडवेंचर एक्टिविटी के बगल में ही है और बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया। और आज का दिन मतलब बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरा मन ना बहुत पहले से था कि मैं जंगल सफारी करूँ कभी, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया था। और यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे छोटे स्विंग्स वगैरह हैं, तो आप बच्चों को यहाँ पे भी खेलने के लिए छोड़ सकते हो। और ये देखो कितना प्यारा है, ये बच्चे भी पीछे खेल रहे थे। और मैं गलती से वाइट शूज़ पहन के आ गई थी, थोड़ी देर में इसकी हालत ख़राब हो गई थी। ये 7 साल के बच्चों के लिए था, और मेरे भाई को देखो पागल सब है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एट द एंड जाने से पहले हमने खाए मोमोज, ये चिकन मोमोज थे। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आके मोमोज नहीं खाए तो क्या खाया, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे दार्जिलिंग साइड के मोमोज, और काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है। तो उसके बाद आ गए हम लोग होटल, आज का डे ऐसा रहा, बाय।